प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन पार्थिव एकता का सिद्धांत पढ़ रहे थे, आज वातावरण समायोजन का सिद्धांत पढ़ेंगे। वातावरण के तत्वों की क्रिया मनुष्य के शरीर, स्वास्थ्य और जीवन के कार्यों पर होती है। मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना अनुकूलन करता है और साथ ही वह वातावरण में उसके तत्वों का रूपांतरण भी अपनी रुचि, आवश्यकताओं, बुद्धि एवं सामर्थ्य के अनुसार कर लेता है। वातावरण समायोजन के दो पहलू हैं, पहला अनुकूलन व दूसरा रूपांतरण। अनुकूलन के दो भाग हैं, आंतरिक अनुकूलन व बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के भी दो भाग हैं, ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन व अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। फिर है रूपांतरण। रूपांतरण के भी दो भाग हैं, प्राकृतिक वातावरण का रूपांतरण और सांस्कृतिक वातावरण का रूपांतरण। अब अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। अनुकूलन का तात्पर्य या अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने वातावरण है, इसमें स्वयं परिवर्तन भी कहते हैं। अनुकूलन की क्रियाओं को दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अनुकूलन एवं बाह्य अनुकूलन। इसके भी दो भाग हैं, आंतरिक अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन व अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन जैसे अपन करेंगे तो अब इसमें देखेंगे, एक व्यक्ति है, उदाहरण द्वारा अपन समझ लें, ये बात आएगी। मान लीजिए कि यूरोप का है, वह ठंडे प्रदेश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन या स्वीडन का कोई मानव परिवार भारत में आकर तमिलनाडु के राज्य के किसी भाग में निवास करने लगता है। यहाँ आने के पश्चात उसने दक्षिणी भारत के जलवायु, अपने मातृ प्रदेश के जलवायु से बहुत अधिक गर्म होती है और असहनीय होती है, गर्मी होती है। वह वहाँ वातानुकूलित कमरों में रहता है, एसी का उपयोग करता है, वह ऊनी वस्त्रों की बजाय सूती वस्त्र पहनने लगता है। यहाँ करके धूप से बचने के लिए वह छाते का प्रयोग करने लगता है। दक्षिण भारत में आने के बाद उन लोगों के बाज़ार में वह जाकर सब्जी और भोजन सामग्री खरीदता है। जब फल बेचने वालों तथा दुकानदारों से बात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह तमिल भाषा तो जानता नहीं, अब यूरोपीय भाषा यहाँ के लोग नहीं समझते, तो वह उनकी तमिल भाषा को सीखने का भी प्रयास करता है। वहाँ जाकर वह तमिल लोगों से नमस्कार करने की प्रणाली, मिलने जुलने और खान पान के विशेष ढंग उनके अनुसार सीखने की कोशिश करता है। उस परिवार को यूरोपियन महिलाएं भी कभी कभी तमिल उत्सव में सम्मिलित करने के लिए बुलाती हैं, तो वे भारतीय साड़ियां पहनती हैं और पतलून की बजाय लुंगी बांधते हैं। अपने भोजन में सभी कभी तमिलों की भांति कच्चे नारियल और पानी उबला हुआ चावल और भात भी सम्मिलित कर लेता है। ये सब चीज़ें यूरोपीय परिवार जो दक्षिणी भारत में आया था, उसने अनुकूलन बनाने के लिए तमिल भाषा सीखी, नमस्कार करना सीखा, खान पान की कुछ प्रणालियाँ उनके अनुसार की। यह कार्य उसका ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन था। अब वह यूरोपीय परिवार कई पीढ़ियों तक यहाँ ऐसे करता रहता है, तो उसकी शरीर की जो त्वचा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण गर्म है, तो वो उसका श्याम रंग यानी हल्का काला रंग होने लग जाता है। उसके शारीरिक चरम में धीरे धीरे श्याम कण बनने लग जाते हैं। यह जो अनुकूलन है, ये अनैच्छिक है, वह चाहता नहीं है, लेकिन क्या करे, वह सतत तो अंदर एसी में रह नहीं सकता, जब बाहर घूमता है। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन हुआ, वह अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाए। इसके बाद बाह्य अनुकूलन, जब वह व्यक्ति जलवायु से कठोरता के बचने के लिए उनके मकान को वातानुकूलित बनाता है, रेफ्रिजरेटर तथा छतों का प्रयोग करता है, यह कार्य का रूपांतरण कहलाता है। जब मानव द्वारा किए गए वातावरण समायोजन का दृश्य तो रूपांतरण है, रूपांतरण के दो पहलू हैं, जैसे व्यक्ति, जैसे आदमी, दूसरा जो समायोजन जो करता है वो रूपांतरण करके करता है, वो उसका
दो प्रकार के रूपांतरण होते हैं, एक प्राकृतिक वातावरण का परिवर्तन करके और एक सांस्कृतिक वातावरण का परिवर्तन करके वह रूपांतरण करता है। कब है परिवर्तन किया, जैसे जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ट्रैक्टर कल्टीवेटर जेसीबी मशीन लगाकर उनको समतल करके अपने सिंचाई योग्य बनाता है। उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण के परिवर्तन में भी वह अपने निवास स्थान के लिए अपने मकान का निर्माण करता है, गर्मी से बचने के लिए वातानुकूलित संयंत्र लगाता है। वह परिवहन के लिए अपन जैसे साइकिल का उपयोग करना, स्कूटर का उपयोग करना, गाड़ी का उपयोग करना, ये जो सब समायोजन है ये उसका रूपांतरण द्वारा हुआ कि मानव अपने ज्ञान बुद्धि व विवेक का उपयोग करके अपने वातावरण से समायोजन करता है। अब इसका सारांश सुनिए। मानव प्राकृतिक वातावरण की उपज है, उसका अंग है, परंतु अपनी चंचलता संघर्ष एवं समायोजन के द्वारा वह सांस्कृतिक वातावरण का निर्माता भी है। मानव द्वारा किए गए संघर्ष एवं समायोजन के द्वारा ही मानव भौगोलिक प्रदेशों का विकास करता है। प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व मानव को प्रभावित करता है, उस क्षेत्र की आकृति अवस्थिति उसके विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का भौतिक स्वरूप, वहाँ के उच्चावच, वहाँ की खनिज संपदा, वहाँ की मिट्टियाँ, वहाँ को चट्टानों का स्वरूप, उनका अपक्षय अपरदन, धरातल पर बहने वाला जल, विद्युत उत्पादन, कृषि तथा औद्योगिक संभावना का विकसित करती हैं। भूमिगत जल मानव के स्थायी निवास की संभावनाओं को विकसित करता है। महासागर परिवहन के आधार को विकसित करते हैं, भोजन की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं। वनस्पति के द्वारा मानव अपने सतत विकास एवं सतत जीविकोपार्जन का आधार बनाता है। इसी प्रकार जंतु जगत से भी वह अपना संबंध स्थापित कर भोजन वस्त्र एवं व्यवसायों को विकसित करता है। प्रारंभ में मानव इन प्राकृतिक तथ्यों को अपना आदेशक मानता है, फिर आदेश की अवहेलना कर उनसे संघर्ष करता है और अंत में उनसे समायोजन करके अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाता है। कहीं पर स्वयं को परिवर्तित करता है तो कहीं वातावरण के बदलने का प्रयत्न करता है, और स्वयं जो वातावरण की उपज था एक भौगोलिक कार्यकर्ता या कारक वातावरण का निर्माता बनकर अपने अस्तित्व को संवारता है। तो इससे अब ये सिद्ध होगा कि मानव अपने वातावरण से समायोजन दोनों ही प्रकार से कर लेता है, अनुकूलन करके या परिवर्तन करके। जिस प्रकार का जहाँ का वातावरण है बेहतर यही है कि वह अपना उपयोग अपने ज्ञान कौशल के हिसाब से करे और अपना समायोजन करके जीवन विकसित करे। धन्यवाद।